नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। आज स्वास्थ्य क्रांति के तहत इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी एक आम लक्षण जो है पेट का फूलना, जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं, उसके मूल तत्व को जानकर, मूल जड़ को जानकर, उस बीमारी से न सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि बिन दवाइयों का इसका इलाज कर सकते हैं सिर्फ परहेज से। क्या है इसका उपाय, आइए जानें इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लोटिंग सेंसेशन बोलते हैं कि पेट में गैस का भरना, फूला फूला सा लगना, पेट हमेशा भारी रहना, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेट हमेशा भारी है। अब इसका कारण क्या होता है? पेट के अंदर ब्लोटिंग सेंसेशन, भारीपन या गैस के भरने के बहुत सारे कारण हैं। उनके कुछ प्रमुख कारणों में से पहला कारण होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 30 साल, 40 साल, 50 साल के होते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एंजाइम्स की मात्रा कम होने लगती है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनका कार्य होता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना, जिसके द्वारा आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके आपके इंटेस्टाइन्स में, यानी आंतों में। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी आंतें कमज़ोर होती हैं, उम्र होने के चलते एंजाइम्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसका फल ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके छोटे आंत में बन करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टूट करके एब्जॉर्ब इजीली हो जाते थे, वो अब बड़े आंत यानी कोलोन तक जाते हैं और फिर वहाँ पर जो कोलोनिक बैक्टीरिया हैं उनसे उनका सामना होता है और फिर फर्मेंट होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिना डाइजेशन के कोलोन तक गए, कोलोनिक बैक्टीरियाज ने इनको फर्मेंट किया, फिर ये गैस बनाती है। और ये जो फर्मेंटेशन का एसिड गैस बनता है, ये गैस आपको सेंस ऑफ ब्लोटिंग यानी पेट के फूलने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे प्रमुख कारण में से एक है ब्लोटिंग के लिए जो जिम्मेदार है, वो है हाई फोडमैप्स फूड। फोडमैप क्या है? फोडमैप का पूरा जो मतलब है उसे जानिए। फूडमैप ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं जिन खाद्य पदार्थ को हमारी आंतें या हमारा पेट सक्षम नहीं होता या तो पूरी तरह डाइजेस्ट करने या कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी वो जो कि त्यों ही हमारे आंत में पड़ी रहती है और फिर वो अत्यधिक गैस बनाती है पाचन क्रिया के शिथिलता के चलते, और पाचन क्रिया इसे पचा नहीं सकती ऐसे पदार्थों को। फूडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। अब किन किन पदार्थों में फोडमैप्स हाई होता है जिसके वजह से इनके पचने में बहुत ज़्यादा देरी होती है या नहीं पच पाते, ऐसे पदार्थों में ही आता है लेंटिल्स, सोयाबीन, राजमा इत्यादि, कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी इत्यादि, दाल, फलों में सेब, फ्रूट जूसेस। यानी आप ऐसे पदार्थ का अगर सेवन ज़्यादा कर रहे हैं या अपने खान पान में रख रहे हैं तो भी ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये पेट के द्वारा आसानी से नहीं पचाए जाते हैं या पेट में बहुत देर तक पड़े रहते हैं। अब फिर आते हैं तीसरे प्रमुख कारण पर, किस कारण से पेट में ऐसा भरा भरा सा एहसास होता है जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है, आप अगर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं बिना ठीक से प्रॉपर चबाए हुए, और जल्दी जल्दी तीव्रता से खाने के चक्कर में जो हवा है वो भी आपके पेट में जाती है। हवा क्या होता है कि जब आप खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो बिना चबाए हुए प्रॉपरली, तो न सिर्फ जो आपका सलाइवा है वो फूड में मिक्स होता है बल्कि हवा भी आप बहुत जल्दी ले लेते हो खाने के चक्कर में, या खाते खाते आप जब बात करते हो तो भी आपके पेट में हवा जाती है जो पेट फूलने के लिए जिम्मेदार हो सकती है और ब्लोटिंग का सेंसेशन यानी पेट में भारीपन दे सकता है। चौथे सबसे बड़े कारणों में से एक और बड़ा कारण देखा गया है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी भी फ्रूट जूस को पिए, पेय पदार्थ को पिए, तो उनके समय वो लोग पीते पीते स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉ पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो है प्लास्टिक या किसी और मटेरियल की बन के आती है, स्ट्रॉ के साथ जो लोग भी सेवन कर रहे हैं फ्रूट जूसेस का, किसी पेय पदार्थ का, नारियल पानी इत्यादि का, उनके थ्रू वो एयर को भी लेते हैं स्ट्रॉ के माध्यम से, यानी वो जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जिसे आप पीते हो और पीते पीते जो स्ट्रॉ से आप सेवन करते हो किसी पदार्थ का जो पेय पदार्थ है,
उस पदार्थ के द्वारा आप एयर को भी ले लेते हो, जिससे और ज्यादा ब्लोटिंग होती है और पेट फूला फूला सा लगता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे आपको ब्लोटिंग होती है। अब उपाय क्या है? कारण लक्षण मैंने आपको बताए। उपाय में प्रमुखता से ये जानिए कि लो फूड मैप वाले खाने को खाइए, यानी जो चीज़ें मैंने बताई उनसे परहेज कीजिए। हाई फूड मैप ऐसे पदार्थ जिनसे पेट में पाचन क्रिया सुस्त होती है, पेट पचा नहीं पाता, वो सबसे पहले जिम्मेदार है स्थिति के लिए। दूसरा, आप खाते समय धीरे धीरे भोजन करिए, खाते समय बहुत ज़्यादा जल्दी भोजन ना करिए, आराम से चबा चबा के एक बार एक निवाले को 16 बार कम से कम चबानी चाहिए। तीसरा, जैसे जैसे उम्र होती, हम सारे लोगों को गैस बनने का एहसास, पेट फूलने का एहसास तो होता है, लेकिन इंजाइम्स जो कम हो रहे हैं उस बाबत हम अनजान होते हैं। तो अच्छे इंजाइम्स ले सकते हैं, इंजाइम्स बाहर से भी आप ले सकते हैं, खान पान में दही इत्यादि को सेवन करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए कि खाने के बीच में पानी कम से कम पीजिए, इससे ब्लोटिंग कम होगी। बातें कम करिए, जो लोग भी खाने के दौरान बीच में बातें करते हैं, एक निवाला खाया फिर बातें कर रहे हैं, तो एयर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं बातें करने के दौरान, जिसकी वजह से और भी पेट फूलता है। अगर आप उम्र दराज हैं तो क्योंकि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपका पाचन क्रिया, आपकी आंतें सुस्त होती हैं, तो खाना बहुत देर तक आपके आंतों में रहता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं आपके कोलोन के, जिनका काम नहीं होता खाना पचाना, वो फर्मेंट करते हैं खान पान को और बहुत ज़्यादा एसिडिटी गैस बनाते हैं, जिससे पेट फूला हुआ सा लग सकता है। हल्का फुल्का अगर रहे तो बॉडी एडजस्ट कर जाती है, एहसास नहीं होता, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उभार सा आपके पेट के बाहर से निकला हुआ लग सकता है, इतनी ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि डायफ्राम को ये ऊपर पुश करेगा, तो फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, आपको सांस लेने में भी खाने के बाद तकलीफ बढ़ सकती है अगर ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है तो। हो सकता है खाने के बाद दम फूलने की तरह लगे, लगे कि पेट पूरा फूल गया। तो इस तरह से आप अपने पेट के भारीपन को जड़ से समाप्त कर सकते हैं सिर्फ परहेज के द्वारा, और क्या क्या अपने हैबिट्स को सुधार करनी है उसके द्वारा। तो आज के तहत इस स्वास्थ्य क्रांति के वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपको बताता चलूं कि आप सभी के संदेश मैं देखता हूं और ज़रूर कमेंट्स पर ध्यान देता हूं। तो आपको अगर किसी टॉपिक पर अपनी सलाह या किसी टॉपिक को हमें भेजना हो वीडियोज़ के लिए, तो ज़रूर भेजें। इतनी मेहनत और इतना ज़्यादा जागरूकता का मकसद सिर्फ ये है कि आप सभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हो। मेरा कोई भी मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप लोग इस बात से अवेयर रहें, इस बात को समझें कि ये कोई वीडियो रोचक या किसी बस ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं बनाई जाती। बहुत बहुमूल्य समय से इन वीडियोस के लिए समय निकाल कर पूरी टीम होती है, मैं अपना समय देता हूँ, टीम मेहनत करती है, तब आप तक ये वीडियोस पहुँचता है। तो वीडियोस को बस देखें नहीं, इसे अपने जीवन में लागू करें, इसे शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप YouTube पे हमें फॉलो करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन को प्रेस करके, और अगर आप इंस्टा पे या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अप करें ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं, और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और रीच भी बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है अगले वीक फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय स्वास्थ्य क्रांति।